वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 24 अगस्त को सी विजिल, 25 अगस्त को वोटर टर्नआउट और 26 अगस्त को इनकोर काउंटिंग मॉड्यूल के संबंध में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह सहित निर्वाचन विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाता सूची की डमी डाटा तैयार कर और एप्लीकेशन का मॉक ड्रिल करने के साथ टेस्टिंग किए जाने के लिए निर्देश दिए गए, जिससे आने वाले समय में मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा सके और उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सर, so, जैसे मैंने आपको बताया कि I will try to cover the presentation as soon as possible and then I will jump on the live demo of the people. लोकसभा में लॉन्च किया था और it went well. और I think in last election West Bengal and 5 following states में हमें we received more than 2 lakh complaints. So it's a big hit. And media also cover and most of the all the DOs and CEOs would love to share the stats in the media. So I request you take it this exercise very seriously because this exercise totally outcome driven. After this exercise, we will analyze all the whatever the target we have given to all the DOs. Is that we fulfill or not? So we will we have to make sure we do this exercise seriously. And we have to, if you are facing any problem, feel free to contact us at any of the point of time. So let me start with the presentation first. एक अटेंडेंस के लिए कोई कोई भी ऐसी नहीं आया है। सर, हमने लोकसभा इलेक्शन में पायलट या बेसिस पे लॉन्च किया था, बट उससे पहले हमने ये पायलट बेसिस पे राजस्थान का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें भी हमने ये फुट प्लस यूज किया था। सो अभी राइट नाउ दिस एप्लीकेशन इज वेरी स्टेबल, वेरी 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 पावरफुल टूल विच एम्पावर सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एंड इसमें हमारा अभी जो पोल पोइंग स्टेट्स थे वहाँ से केरला स्पेशली वेस्ट बंगाल आसाम लॉट्स ऑफ वी गॉट रिसीव कंप्लेंट एंड ऑल द कंप्लेंट हैज बीन रिजॉल्व विद इन 100 मिनट्स। सो दिस एप्लीकेशन इज अ टाइम बाउंड एसआर डिफाइंड वेल डिफाइंड 100 मिनट का इसका सक्सेस स्टोरी है। हर कंप्लेंट 100 मिनट में रिजॉल्व होना है। अगर ओवरड्यू है तो इट शोज इन द रिपोर्ट, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। All the complaints should be resolved within 100 minutes. CVGIL application के 4-5 mobile apps हैं जो मैं आपको अभी quickly एक high level overview दूंगा। I request all the DO office please mute yourself. I will request let us follow a protocol for this video conference. Please mute yourself until and unless there is a query. We will have a session in the last for query. So first we finish this presentation and since we have to also cover INCOR counting model, so it will take time. So I will request to follow this protocol strictly. Thank you. Sir, next. So इसका जो इस एप्लीकेशन का जो लाइफ साइकिल है, दिस डायग्राम शोज हाउ कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, how it has been assigned to DCC, how DCC assigned to the flying squad team and the how the FSP submit their report to returning officer. So इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि CVGIL citizen app है उसको यूज करके कोई भी citizen जहाँ पे हमारा election scheduled है, जहाँ पे हमारा election announced हो चुका है, वहाँ पे ये app open होता है और ये GIS बेस पूरा टेक्नोलॉजी के बेस है जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। CVGIL citizen apps आपका जो दो वर्जन में अवेलेबल है, एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के लिए भी है, साथ में आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। citizens, so we have to be spread awareness in the media, social media, newspaper to use this application for all the citizens. So that they can help, they can raise the complaint if there is any violation. So सबसे पहले मोबाइल ऐप को यूज करके सिटीजन की कंप्लेंट लॉग करते हैं और विदिन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट वो आपका डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर जो कि DO ऑफिस में सेटअप होता है, जहाँ पे आपका एक फुल फ्लेज टीम होती है जो कि 24/7 काम करती है, उस कंप्लेंट को DCC से असाइन करते हैं फ्लाइंग स्क्वाड टीम को।
किस फ्लाइंग स्क्वाड को टीम को असाइन करना है वो मैप पे इजीली देख सकते हैं, हु इज द नियरेस्ट पर्सन। मैप पे हम पूरा एफएसटी की लोकेशन रियल टाइम में दिखाते हैं और वो इमीडिएटली देख सकते हैं हु इज द नियरेस्ट पर्सन लाइक असाइन। दिस टू रीच द टू द लाइक इंसिडेंट लोकेशन इन द नेक्स्ट 15 मिनट और नेक्स्ट 30 मिनट में उनको कंप्लेंट का रिपोर्ट, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। Once he submit the report to returning officer need to take action in the next 50 minutes. So there are three options goes at escalate. I will explain the next slide. So what are the prerequisites? This is a very critical and important slides we have to be set up. So this team has set up kar raha hai ek district control center 24 into setup for complaint assignment ke setup kar raha hai. This normally have a 2 to 3 desktop application and persons who can assign this complaints. Then we have to set up that all the DOs account. So CO office की जो responsibility है उनको हर district के DO के account setup करने होंगे। DO office normally DO sir और DO ma'am का mobile number उनका नाम register करना होगा। अगर उनको कोई additional account चाहिए like DO or DO sir or ma'am is not available all the time in the office, so they have to log in the system, so they can also create additional accounts.